सब हम आसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हां, आज लोकसभा के महात्योहार में छठे चरण का मतदान जारी है और महामतदान भी हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है, शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। आपको बता दें 58 सीटों पर मतदान जारी है, 8 राज्यों के 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं अगर हम 2014 की बात करें और 2024 की भी बात करें तो प्रतापगढ़ सीट बहुत ही ज्यादा चर्चा में बना हुआ है लगातार। सुल्तानपुर सीट की अगर हम बात करें तो वो भी चर्चा में है और इसी के साथ हम बाकी के अन्य सीटों की अगर बात करें तो वो भी चर्चा में बनी हुई है। दिल्ली सीट भी हॉट सीट बताई जा रही है, लेकिन इसी क्रम में प्रतापगढ़ सीट की अगर बात करें तो यहां पर 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ संसदीय सीट पर 52.12% मतदान हुआ था और इस बार 2024 के चुनाव में 2019 में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली थी और 2024 में काफी कुछ बदलते हुए देखने की उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं अगर हम बात करें अपना दल के कुंवर हरिवंश सिंह के बीएसपी के ऑफिस और आसिफ निजामुद्दीन सिद्दीकी को 1,68,222 वोटों से हरा करके जीत हासिल की थी और प्रतापगढ़ सीट को अपने कब्जे में कर लिया था। वहीं प्रतापगढ़ सीट के लिए जिन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया उनमें मौजूदा सांसद और भाजपा उम्मीदवार संगम लाल गुप्ता, बहुजन समाज पार्टी से बसपा उम्मीदवार प्रथमेश मिश्रा और जनशक्ति पार्टी से देवी प्रसाद और मानवतावादी समाज पार्टी से राम सिद्धि यादव और इसी के साथ अन्य तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रतापगढ़ की हॉट सीट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग त्रिपाठी जुड़ गए हैं। अनुराग, सबसे पहला सवाल यही है कि प्रतापगढ़ सीट लगातार चर्चा में बनी हुई है, इससे पहले भी 2014 के दौरान भी वो सीट चर्चा में थी और 2019 में भी ये सीट काफी चर्चा में थी। 2024 की बात करें तो इस सीट पर क्या समीकरण देखने को मिल रहा है और किसकी बढ़त ज्यादा देखने को मिल रही है? सियासत की गुणा गणित में दो धन तो चार नहीं होते जी, ठीक है। और यहाँ पर प्रताप, क्योंकि राजघरानों की लड़ाई यहाँ पर शुरू से देखते हुए आ रहे हैं हम लोग, चाहे राज रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हो या फिर राजकुमारी रत्ना सिंह हो, प्रमोद तिवारी हो या फिर मोती सिंह हो, यहाँ पर लड़ाइयाँ हमेशा क्षत्रिय और सवर्णों की लड़ाइयाँ यहाँ पर रही है और उन्हीं का आधिपत्य यहाँ पर रहा है। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो राजा भैया ने समर्थन किसी को ना देकर एक राजनीतिक भूचाल ला दिया है प्रतापगढ़ की सीट पर, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अभी अगर राज्यसभा के चुनाव हो या फिर एमएलसी के चुनाव आपने देखा होगा कि उन्होंने भाजपा को, भाजपा गठबंधन को समर्थन किया था जी। और वो प्रतापगढ़ सीट से लगभग 5 सीटें, प्रतापगढ़ सहित 5 सीटें वो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जो है वो मांग रहे थे भाजपा गठबंधन से, जिसको लेकर कई बार उनके चर्चाएं अमित शाह से, जेपी नड्डा से भी हुई, हालांकि उनकी बात बन नहीं सकी है। जिसके बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया अचानक से चुनाव के जस्ट पहले कि आप, हम अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहेंगे कि वो जिसको समर्थन चाहे उसको समर्थन करें। तो अभी हाल ही में एक रैली में, सपा की रैली में कुंडा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख संतोष सिंह, जो कि राजा भैया के बहुत बेहद ही खास आदमी माने जाते हैं, उनको देखा गया और उनके समर्थकों को, उनकी गाड़ियों को सपा की रैली में देखा गया। तो जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजा भैया ने कहीं अंदर खाने जो है वो सपा को समर्थन दे दिया है। अब अगर ऐसा होता है सोनाली, तो ये मान के चलिए कि मामला बहुत ही पेचीदा हो जाएगा संगम लाल गुप्ता के लिए। सवाल यही है अनुराग की, संगम लाल गुप्ता के लिए ये जो सीट है वो कितना ज्यादा मुकाबलेदार होने वाली है? क्योंकि अगर हम बात करें कुंडा के राजा और राजा भैया की, अगर हम बात करें प्रतापगढ़ सीट की, अगर हम बात करें तो ये सीट हमेशा चर्चा में तो रहती है, लेकिन राजा भैया एक अलग पहचान रखते हैं देश भर में और कुंडा के राजा भी कहीं ना कहीं कहे जाते हैं, तो उनको टक्कर दे पाना कितना मुश्किल भरा रहेगा संगम लाल के लिए, गुप्ता के लिए बात कर ले और अगर बाकी के अन्य उम्मीदवारों के लिए भी बात कर ले, तो क्या वाकई में राजा भैया को टक्कर दे पाएंगे, ये बहुमत हासिल कर पाएंगे जो राजा भैया को मिलती थी इससे पहले? देखिए, वहां यहाँ के लोकल लोगों से मैंने बात किया तो मुद्दे काफी हैं वोटिंग को लेकर, युवाओं में खासकर नाराजगी है भाजपा को भी लेकर और संगम लाल गुप्ता को भी लेकर।
क्योंकि संगल लाल गुप्ता एक व्यापारी है और उनका व्यापार जो है वो मुंबई में चलता है, तो वो जनता से कनेक्टेड नहीं होते हैं। इससे पहले वो अपना दल से लड़ रहे थे, अनुप्रिया पटेल की पार्टी से लड़ रहे थे, लेकिन इस बार वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी छवि कोई खास नहीं है। अगर वोट कोई दे भी रहा है जनता, जैसे मैंने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि मैं इस प्रत्याशी को वोट ना देकर कहीं ना कहीं मैं मोदी को वोट दे रहा हूँ या योगी को वोट दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप बात करें राजा भैया की, तो राजा भैया प्रदेश की राजनीति में काफी वर्चस्व और रसूख रखते हैं। राजा भैया का नाम किसी से छुपा नहीं है, कुंडा का नाम विदेशों तक भी लिया जाता है। तो उस लिहाज से और क्षत्रिय जो क्षत्रिय समाज के नेता है वो बेटी बेटी कोठी बहुत फेमस है, आप जानती हैं। और हालांकि अखिलेश यादव गए थे उनके खिलाफ प्रचार करने, ये उनके साथ भी रहे, तो राजनीति कई तरफ करवट ली है। लेकिन इस बार राजा भैया ने तो खुले तौर पर ये कहा है कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ, लेकिन पार्टी के समर्थक जिसको चाहे उसको समर्थन दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कई ऐसी खबरें आई कि अंदर खाने वो सपा से बात होगी, क्योंकि उनके प्रत्याशी अपने बेटे को लेकर गए थे वहां पे, तो उस समर्थन के लिए उनको उन्होंने कहा कि मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ राजा भैया से, और राजा भैया ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। तो राजनीति में आशीर्वाद का मतलब समर्थन ही होता है, तो ये समझ लीजिए कि संगम लाल गुप्ता के लिए राह इतनी आसान नहीं है। हालांकि अगर जीत जाएंगे तो एक राम मंदिर का फैक्टर बहुत बड़ा चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि जब मैंने वोटर से बात की तो उन्होंने कहा मैं संगम लाल गुप्ता को नहीं जानता, इनके किसी काम को नहीं जानता, हालांकि मेरा वोट मोदी को है। और लोग जो है राम मंदिर को इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा मान रहे हैं। तो इसका मतलब यह है अनुराग की देश भर में चुनाव तो चल रहे हैं और देश भर के कई तमाम उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन उनके किस्मत का फैसला जो होना है वो कहीं ना कहीं केवल प्रधानमंत्री के चेहरे पर उनके किस्मत का फैसला किया जा रहा है। ये जो मतदान जारी है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही मतदान हो रहे हैं, और साथ ही राम मंदिर बन करके जो तैयार हुआ है केवल उसके लिए मतदान कर रही है देश की जनता। काफी मुद्दे हैं। देखिए रोजगार बेरोजगारी भी मुद्दा है, युवाओं में खासा नाराजगी इसको लेकर देखी जा सकती है, और युवा इस गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहे हैं कि रोजगार के लिए क्या कर रही है। लेकिन जो चुनाव के पहले मंगलसूत्र और धर्म की लड़ाई ये और लोगों को नागरिकता देना, ये सारे तमाम मुद्दे हुए, और राम मंदिर को भाजपा भी पूरी तरीके से भुनाने का प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं जो है हिंदुओं का एक मुफ्त वोट लिया जा सके, उनको ये बता करके ये राम मंदिर का फैसला इतने वर्षों से लटका हुआ था, 500 तमाम दावे किए जाते हैं जैसा कि आप भी जानती है, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं वोट को पोलराइज करने का भी प्रयास किया जा रहा है मेरे हिसाब से। अनुराग अभी आपने तमाम जानकारी साझा की, लेकिन इससे पहले आपने अभी ये भी बात कही कि समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में कुंडा के राजा की गाड़ी देखी गई, यानी कि राजा भैया की गाड़ी देखी गई, और उसके बाद कई बार ये ताता भी लगा रहा, आना जाना भी लगा रहा है एक दूसरे के यहाँ। साथ ही अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के, तो कई प्रमुख चेहरे गए जो राजा भैया को कहीं ना कहीं उनसे उनका समर्थन लेने के लिए और उनके प्रयास के लिए गए कि राजा भैया किसी और तरफ शिफ्ट ना हो जाए और किसी और पार्टी में शामिल ना हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो क्या वाकई में राजा भैया समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो आगे चल के भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल भरा होने वाला है ये? देखिए सोनाली, मैंने अपने शुरू के वक्तव्य में बता दिया कि राजनीति की गणित में दो धन दो चार नहीं होते हैं, वो 22 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो राजनीति है चूंकि सत्ता का खेल है, और सत्ता जिसके साथ है, जिसके पास सत्ता है वही मठाधीश होता है, और राजनीति में हर व्यक्ति मठाधीश बनना चाहता है। लेकिन जब अपने चीजें अपने वादे नहीं पूरे होते हैं, जब अपनी अपनी आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं नहीं पूर्ण होती हैं, तो लोग दल बदल करते हैं, और इसी कड़ी में क्षत्रिय समाज से चूंकि राजा भैया आते हैं और क्षत्रिय समाज के बीच में उत्तर प्रदेश में काफी नाराजगी है भाजपा को लेकर, कुछ ऐसे पुराने वक्तव्य हुए जिसको लेकर भी, और अभी जौनपुर का अगर आप मामला देखिए, धनंजय सिंह का मामला देखिए, तो उसको भी लेकर अच्छा खासा, और अगर आप खुद ही समर्थन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, खुला समर्थन कर रहे हैं वो लगातार प्रचार प्रसार में भी, जब से जेल से बाहर आए तब से व्यस्त रहे। उनकी पत्नी की अगर बात की जाए श्रीकला की, तो वो भी लगातार प्रचार प्रसार में व्यस्त रही भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी, इसको लेकर भी तमाम चर्चाएं समाज के बीच में चल रही है, लोग अपने अपनी राय व्यक्त करते हैं, हालांकि वो जनता की राय होती है, उस पर हम आप नहीं टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें प्रतापगढ़ सीट की, तो इस पर राजा भैया का समर्थन ना देने से भाजपा को गहरा झटका लग सकता है, और सिर्फ प्रतापगढ़ नहीं, उससे सुल्तानपुर भी, जौनपुर भी, और भी कई 4 से 5 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर राजा भैया का काफी वर्चस्व है।
जहाँ पर उनका काफी रसूख चलता है। तो अनुराग आप लगातार हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ रहे हैं और लगातार आप जनता के बीच में जा करके जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं, साथ ही इस समीकरण को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप हर बार क्षत्रिय वोटर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम क्षत्रिय वोटर्स की बात करें और कहीं ना कहीं उन मेन चेहरों की अगर बात करें जिनके टिकट काटे गए हैं, तो धनंजय सिंह हो या राजा भैया हो, और इसके अलावा अगर हम अन्य बड़े चेहरों की बात करते हैं, तो वो सभी कहीं ना कहीं क्षत्रिय वोटर्स हैं और क्षत्रिय उम्मीदवार हैं जिनके टिकट काटे गए। तो क्या वाकई में ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट इकट्ठा की, उसमें क्या लगता है कि क्षत्रिय वोटर्स वाकई में नाराज हैं जो खुला समर्थन करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और अगर देश भर के क्षत्रिय वोटर्स नाराज हैं तो ये जीत का दावा, 400 पार का दावा कैसे? ये देश भर के क्षत्रियों की तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम समाज यहाँ ग्राउंड पे जब हम रिपोर्टिंग करते हैं और पूछते हैं उनसे ऑफ कैमरा भी जब हम बात करने का प्रयास करते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि भैया नाराजगी तो है समाज में, ठीक है ना, लेकिन मैं क्योंकि बता रहा हूँ कि राम मंदिर का फैक्टर इस बार भाजपा को ये 400 पार कराने का, राम के ही सहारे है भाजपा इस बार जी। क्योंकि महंगाई बेरोजगारी बहुत भारी मुद्दा हो गया, बहुत बड़ा मुद्दा है, इसका जवाब भाजपा के प्रवक्ता भी देने से कतरा रहे हैं। तो अगर ये सीटें आ रही है क्षत्रिय समाज, क्योंकि वो मानता है राम को अपना अपना पूर्वज मानता है, हालांकि पूरा हिंदू समाज राम को अपना पूर्वज मानता है, लेकिन क्षत्रिय समाज का काफी जुड़ाव रहा है, तो अगर भाजपा को क्षत्रिय वोट कर रहा है तो ये मान के चलिए कि वो राम मंदिर का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। जी, लेकिन अगर देश भर में अन्य मुद्दों की बात करें अनुराग, अगर देश भर में जो अन्य मुद्दे चल रहे हैं उनकी बात करें, और लगातार दिल्ली के राजनीति पर अगर एक नजर डालते हैं और दिल्ली के राजनीति पर अगर हम बात करें, तो वहां पर भी काफी कुछ उलटफेर चल रहा है, तो क्या इसका समर्थन मिल सकता है गठबंधन को कहीं ना कहीं, या फिर इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा और राम मंदिर के नाम पर ही इसका फायदा भी मिलेगा? क्या लोकतंत्र को बचाने और लोकतंत्र को खत्म करने की जो राजनीति की जा रही है, इसमें किसकी तरफ ज्यादा बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है? क्या गठबंधन को बढ़त मिलेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी को? देखिए सोनाली, अगर बात करें दिल्ली की, हम दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, अगर दिल्ली का गणित बड़ा अलग होता है, दिल्ली के लोग विधानसभा में आम आदमी पार्टी को और सेकेंड नंबर पे रखते हैं, कांग्रेस को रखते हैं और भाजपा को तीसरे नंबर पे रखते हैं, लेकिन वहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 7 की 7 लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी को दे देते हैं। तो अगर वहां पे केंद्र की और विधानसभा की लड़ाई जब चलती है तो वहां पे बड़ा अलग माहौल होता है, लेकिन अगर पिछले चुनाव की हम बात करें, पिछले रिजल्ट की बात करें, चूंकि अब की बार गठबंधन में चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जिसमें अगर दोनों की बात करें तो उनका वोट परसेंटेज पिछली बार के हिसाब से 40% जा रहा है और भाजपा ने 50% के लगभग जो है फीसदी वोट वो हासिल किए थे। तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी लड़ाई है दिल्ली में, जहां तक मैं दिल्ली की राजनीति जाना सुना हूँ समझा हूँ, मैं अपने विवेक से बता रहा हूँ कि बहुत खासा जो है भाजपा को नुकसान नहीं हो सकता है। इस बार प्रत्याशी भी कई बदले गए हैं, तो भाजपा वहां पर जो है हमें 7 की 7 लोकसभा सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिख रही है, क्योंकि मैंने दिल्ली के लोगों से भी बातचीत की है, उस लिहाज से मैं आपको बता। क्या सीएम केजरीवाल के जेल जाने और फिर जेल से बाहर आने और बाहर आके ये जो ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया गया, साथ ही कई सारी तमाम चीजें की गई सीएम केजरीवाल की तरफ से, तो ये अंतिम सवाल है अनुराग, क्या वाकई में इसका फायदा मिलने वाला है? कहीं ना कहीं जो इमोशनल टर्म कार्ड खेलने का काम किया गया है, इसका फायदा मिलेगा गठबंधन को? तो कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, लेकिन हम लगातार समीकरण को समझने की कोशिश कर रहे थे और लगातार हम प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की बात कर रहे थे, जो कि राजा भैया के नाम से ज्यादा जानी जाती है, कुंडा राज के नाम से ज्यादा जानी जाती है। तो इस सीट पर समीकरण हमने आपको बताया और समझाया भी, अब देखना यह है कि क्या वाकई में दोबारा से, क्योंकि एक बार 2014 में 2019 में संगम लाल गुप्ता इस सीट से जीत चुके हैं प्रतापगढ़ सीट से, और 2024 में भी दावेदार हैं, तो क्या 2024 में संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ सीट को जीत पाते हैं? क्या राजा भैया की नाराजगी कुछ नुकसानदायक होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए? इन सभी का फैसला 4 जून को हो जाएगा। फिलहाल के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट उजाला। हम लेकर आएंगे आपके लिए एंटरटेनमेंट जगत का हर एक अपडेट, चाहे वो हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड या भॉजीवुड। आप
आपको देंगे हर छोटे से बड़ा अपडेट, हर राज, हर बात, हर कंट्रोवर्सी के पीछे का सच। हमारे शो टेली तड़का टाइम पास सिर्फ और सिर्फ केकेडी न्यूज पर। हर मुद्दे पर होगी बहस, हर सवाल का मिलेगा जवाब, जब सियासी मुद्दे उठाएंगे हम होगा असली घमासान, जब साथ बैठकर करेंगे मुद्दे की चर्चा हम। देखिए मुद्दे की चर्चा सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ और सिर्फ केकड़ी न्यूज पर। चल है लगातार रणभूमि में क्या होगा इस बार, किसान है परेशान, युवाओं पर भी आई है आंच। क्या राम मंदिर से बन पाएगी बात, या महंगाई रणभूमि में देगी मात, जनता की दहाड़ हम सुनेंगे इस बार, तथ्यों पर करेंगे बात सिर्फ और सिर्फ चुनावी चक्रव्यूह में सोनाली सिंह के साथ। न पक्ष न विपक्ष, फैसला निष्पक्ष। मुद्दों पर होगी दांव पेच, क्योंकि यलगार हो में होगी खास डिबेट। लोकतंत्र जब खतरे में आए, युवा, किसान और महंगाई जब सर चढ़ जाए, जनता के उन मुद्दों पर फिर होती है हमारी नजर। देखिए मेयर यानी नंदिनी मल्होत्रा के साथ युवा अधिकार। सियासत की गर्मी, जनता की आस, नेताओं के वादे, देश का विकास, हर तरफ है एक ही नारा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री हमारा। देखिए कौन बनेगा प्रधानमंत्री रत्ना के साथ सिर्फ और सिर्फ केकेडी न्यूज। शारीरिक चिंता सटीक उपाय, सही चिकित्सा एक्सपर्ट बताए, रोग चाहे कैसा भी हो मिलेगा सही उपचार। देखिए केकेडी न्यूज के साथ हर शनिवार रविवार हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट उपचार। नमस्कार, जहां हर दिल से निकलेगी एक नई आवाज, जब पब्लिक कैमरे पर बोलेगी अपनी बात, क्योंकि यह है आपका अपना नया पब्लिक का शो। तो बने रहिए हमारे साथ शुभम अवस्थी के साथ, देखिए हमारा खास शो क्या बोलती है पब्लिक सिर्फ और सिर्फ केकेडी न्यूज पर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट उजाला। हम लेकर आएंगे आपके लिए एंटरटेनमेंट जगत का हर एक अपडेट, चाहे वो हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड या भॉजीवुड। आपको देंगे हर छोटे से बड़ा अपडेट,